दोस्तों, जब इतिहास के पन्नों से आदि मानव के विकास की कहानी शुरू हुई तो काफी तेजी से हम विकास की ओर बढ़े थे और ना जाने किस प्रकार एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे विपरीत होने के बाद भी हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था, नई चुनौतियों से खुद को ही तैयार कर लिया था। हमारे आगे बढ़ने की इस चाहत के चलते ही डायनासोर की सत्ता हमारे हाथ में आ गई। उनके खात्मे के साथ ही हम इस दुनिया में आगे बढ़ते गए। हमने केवल जमीन पर ही अपनी यात्रा जारी नहीं रखी बल्कि गुफाओं में भी अपना घर बनाया। भोजन के विकल्प कम होने पर हमने शिकार करना सीखा तथा तन को ढकने के लिए कपड़ा बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को परिस्थितियों में डालने में व्यस्त थे, तभी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हमने परिस्थितियां बदलने से पहले ही अपने में बदलाव लाना सीख गए। कुछ सालों में हम बंदर से चलने फिरने बोलने और समाज में रहने वाले बंदर से इंसान के रूप में बदल गए। हमारी इच्छा केवल पेट भरना ही नहीं रहा बल्कि एक समाज को विकसित करना भी रहा था। शायद इसीलिए हम इतनी तेजी से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि इंसानों की संख्या धरती पर सबसे ज्यादा है, लेकिन यह रफ्तार अब कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही है। लगता है इंसानों में एब्लेशन की प्रक्रिया अब धीमी पड़ गया या फिर पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी की फॉर्मेशन की शुरुआत से चली आ रही यह प्रक्रिया कैसे रोक सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारी एब्लेशन की प्रक्रिया में तेजी का मुख्य कारण एनवायरमेंटल प्रेशर था। उस समय धरती पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार और ताकत में हमसे ज्यादा बड़े थे। शिकार करते करते आदिमानव खुद शिकार हुआ करते थे। ताकत के दम पर शिकारी जानवर बड़ी आसानी से हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते थे। ऐसे में इस स्थिति से बाहर आने का बस एक ही रास्ता था और वह था हथियारों का आविष्कार। जब इंसानों ने पत्थर और लकड़ियों को शार्प करके हथियार बनाना सीखा, तभी वह धीरे 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 अन्य जीवों को पछाड़ता चला गया। वो खुद को फूड चेन के सबसे टॉप पर लेकर आया और आज जो वैज्ञानिकों को शरीर और कंकाल मिलते हैं, वह पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं। उनमें से ज्यादातर शेर और तेंदुए जैसे जीवों के अवशेष होते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने और उस पर राज करने का विचार इंसान के जहन में तब आया होगा जब सर्वाइव करने की बात आई होगी, तथा शिकार बनने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ सीखा लिया और अब हम जंगल पर आसानी से राज कर सकते थे। लेकिन हम जंगल में नहीं रहना चाहती थे क्योंकि हमारी दौड़ता काफी लंबी थी और आज हम इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें अवश्य बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।